इस सीजन में लोग डीप गले के ब्लाउज मांगते हैं, तो आपको डीप गले के ब्लाउज में कटिंग करने में दिक्कत आती होगी, तो ये छोटी छोटी चीजें जो मैंने आपको बताई है, इससे आपको डीप गला बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। डोरी, हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं रजनी पाल गुनगुन सीविंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ, बहुत ही काम आपके आने वाली चीज है, जो बहुत ही छोटी सी बारीकी जो चीजें रहती है, लेकिन वो हम उनमें सुधार नहीं कर पाते हैं और हमारे ब्लाउज में दिक्कतें आने लग जाती है। बहुत ही अच्छा वीडियो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि क्योंकि आजकल क्या है, डीप गले का फैशन चल रहा है। डीप गले के फैशन में किसी को डोरी नहीं चाहिए, पीछे अच्छे डीप गले होने चाहिए, शोल्डर भी बिल्कुल नहीं उतरना चाहिए। उसी के विषय में आज मैं आपको बहुत विस्तार से बताने वाली हूँ। आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, स्किप नहीं कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई आपकी इम्पोर्टेंट चीज छूट जाए, इसीलिए आप इसे वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। तो चलिए हम वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं। अगर आप सिलाई में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, सिलाई से जुड़ी नई नई चीजें सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिले। देखिए, सबसे पहले डीप गले के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप लंबाई का निशान लगा लीजिए अपने ब्लाउज में और शोल्डर पे ध्यान दीजिए। मेन आपका इसमें क्या है, शोल्डर और गले से ही रिलेटेड है। एक नॉर्मल ब्लाउज का नाप अपन कैसे लगाते हैं वो देखिए। पहले तो देखिए, नॉर्मल गले का नाप मैंने लगा दिया, 5.5 का निशान लगा दिया। यहाँ पर मैंने यहाँ पे कितना ले लिया, 6 इंच ले लिया। जो पिछला वीडियो था अपना चार्ट वाला, मैंने आपको चार्ट वाले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था, तो आपको वो वीडियो भी समझ में आ गया होगा। उसी से रिलेटेड आप उस तरीके से भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन डीप गले में आपको छोटी छोटी चीन चीजों का ध्यान रखना है वो आप, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर उसे देख सकते हैं। देखिए, ये हमने शोल्डर का निशान लगा लिया, ये आर्म होल का निशान लगा लिया। हमारा सीना यहाँ पर 36 इंच है, 1.5 इंच का हमने मार्जिन का निशान लगाया है, 9 इंच हमारा यहाँ पे कमर का निशान है। देखिए, नॉर्मल जो ब्लाउज है हमारा, हम ब्लाउज को इस हिसाब से कटिंग कर लेते हैं। देखिए, इस हिसाब से हमने ब्लाउज की कटिंग कर ली, शोल्डर ले लिया, कंधी ले ली, सीने का नाप लगा लिया, कमर का निशान लगा लिया, और गला जो हमें चाहिए, मान लीजिए हमको 10 इंच का गला चाहिए, हमने 10 इंच का निशान लगा लिया, यहाँ पे गले को 2.5 इंच काट लिया। जैसे हमको यहाँ पे कटिंग करनी है, मानिए तो हमको जब फैलाना है, हमने किसी भी निशान को किसी भी हिसाब से फैला लिया। देखिए, एक नॉर्मल ब्लाउज हम इस प्रकार से कटिंग करते हैं। इस प्रकार की कटिंग में क्या होता है, अक्सर क्या होते हैं, हमारे कंधे गिरने लगते हैं, फिर हमको यहाँ पर डोरी का ऑप्शन देना पड़ता है कि हम डोरी लगा लीजिए, आप डोरी से भी कंधा सेट हो जाएगा। और देखिए, अब आपको क्या देखना है, ये ध्यान दीजिए आप कि जब भी आप डीप गले बनाए, देखिए जब भी नॉर्मल आप डीप गले बनाए, देखिए आपने ये कितने पे निशान लगाया, 5.5 पे निशान लगाया। अब आपको गला कितने इंच बनाना है, यहाँ पे 10 इंच का गला बनाना है। मानिए मुझे और बड़ा डीप गला बनाना है, मेरे को गला 11.5 इंच पर बनाना है। जैसे मेरे को मानिए यहाँ पे 11.5 इंच पर गला बनाना है। ऊपर का गला आपने यहाँ पे हमने देखिए 2.5 इंच पर उतारा है, नीचे का निशान भी हमको कितने पर लगाना है, 2.5 पर लगाना है। ये देखिए, इस प्रकार से 2.5 इंच पर हमने निशान लगा दिया। पहले तो आप निशान को बॉक्स बनाइए। देखिए, जब आप गले को इतना 1 से 1.5 इंच पर फैला देंगे तो ये आपका गला उतरेगा ही उतरेगा, है ना। देखिए, उसके बाद में आपको क्या करना है, गले को हमेशा 0.5 इंच तक ही फैलाना है, क्योंकि ये सीने के बाद जाके जब आपके बॉडी पे फिट होगा तो ये ऑलरेडी आपका 1.5 से 2 इंच फैल जाता है गला। उसके लिए आपको इतना फैलाने की जरूरत नहीं है कि आपका ये ब्लाउज आर्म होल की कटिंग में चला जाए, ठीक है। जैसे ही आप इसको पहनेंगे तो आपकी जो गले की फिटिंग जाएगी वो कहाँ पर चली जाएगी, यहाँ पर चली जाएगी। इसीलिए आपको क्या करना है, ब्लाउज को हमेशा 0.5 से 1 इंच के अंदर ही आपको गले का फैलाना। देखिए, हमने इस गले को इस प्रकार से फैला लिया है। अब देखिए, अब आपको शोल्डर में क्या चेंज करना है, यहाँ पे आपने ये 11 इंच पर शोल्डर लिया है, यहाँ पे आपने 5.5 इंच पर शोल्डर लिया था। आपको देखिए, ये शोल्डर जो है लगभग आपको कितने इंच पर लेना पड़ेगा, 4.5 इंच पर लेना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं कि जैसे ही आपने गले को एकदम डीप किया तो आपको ये गला कितना लेना है, यहाँ पे 4.5 पर लेना है। देखिए, नॉर्मल ब्लाउज जो होते हैं हमारे, हम उनके गले कहाँ तक ले सकते हैं, 4.5 तक ले सकते हैं। जो बिल्कुल ओपन बैक ओपन पहनते हैं, जिसमें सिर्फ डोरी रहती है या नॉर्मल रहते हैं, उनके जो हम शोल्डर लेते हैं वो कितने पे लेते हैं, 4.5 पे लेते हैं। 4.5 से कम शोल्डर हमको लेना नहीं है। और हमको देखिए, अब ये जो हमारा फुल डीप गला है, हमको यहाँ पे शोल्डर कितने पे ले लेना है, 4.5 इंच पे ले लेना है। देखिए, 4.5 के बाद में हमको जो ये आर्म होल की कटिंग करनी है वो यही नहीं रखनी है। देखिए, आर्म होल हमको क्या करना है,
ये हमने 4.5 पे लिया, तो 4.5 के बाद हम इसको आधा इंच बढ़ा देंगे, तो ये देखिए हमारा कितना हो जाएगा 5.25 इंच या 5.5 इंच। हमको ये कितना ले लेना है, यहाँ पे 5.5 इंच पर ले लेना है। देखिए इस प्रकार से आपको निशान लगाना है, 5.5 इंच आपका निशान आ जाएगा। पीछे की जो कटिंग हमको देनी है वो 1.5 इंच पर ही देनी है। ये देखिए इस प्रकार से, देखिए आप दोनों का अंतर समझने की कोशिश कीजिए। आप जब एक नॉर्मल गला बना रहे थे तो देखिए आपका शोल्डर कहाँ जा रहा था और आर्महोल कहाँ जा रहा था। जब आपने एक व्यवस्थित डीप गला बनाया, बिल्कुल फुल डीप गला बनाया, तो आपके शोल्डर में भी चेंज आया और आपकी कंधी में भी चेंज आया। जो आपका आर्महोल का शेप है उसमें भी बहुत चेंज आएगा। अब आपको सीना कितना लेना है, यहाँ पे देखिए सीना अगर आपका यहाँ पे 9 इंच है, 36 इंच पर आप सीना ले रहे हैं, तो आप हल्का सा इसको आधा, बिल्कुल 1/4 इंच कम ही लीजिए। जैसे आप 9 पे ले रहे हैं तो इसको कितने पे लीजिए, 9.25 पर लीजिए, क्योंकि ये आपका डीप गला है, ये बनने के बाद खुलेगा, बाहर की तरफ जाएगा आपका गला, तो आपको ये कितना 1/4 इंच अंदर की तरफ ही लेना है, तो जिससे आपका क्या हो जाएगा, सीना बिल्कुल फिक्स आएगा। ठीक है, उसके बाद में जो अपन ये वाली कटिंग देते हैं, ये भी 1/2 इंच आपको नीचे की तरफ ही झुकाते हुए देना है, जिससे क्या हो, आपका जो है कंधा जो है बिल्कुल फिट हो जाए और आपको इसमें डोरी की आवश्यकता ना पड़े। देखिए अब उसके बाद में देखिए, अब आपको मानिए कोई बोलता है कि हमको तो और डीप गला चाहिए, हमको तो और फैला हुआ गला चाहिए, ताकि हमारा क्या हो, बिल्कुल बैक पोर्शन दिखना चाहिए। ठीक है, उसके लिए जैसे मानिए ये मैंने 1/2 इंच बढ़ाया। अब देखिए आप इसको इतना से समझने की कोशिश कीजिए, मैंने इसको मानिए यहाँ पे 1 इंच से 1.5 इंच के लगभग फैला दिया। जो पोजिशन मैंने पहले ले रखी थी वही पोजिशन मैंने अब ले ली, देखिए इस प्रकार से। देखिए आप देखिए मैंने ये वाला पोर्शन आपको अच्छे से समझा दिया। अब मैं आपको ये बाहर जो मैंने डीप गला किया है, डीप तो है ही सही और प्लस क्या है, ये फैला हुआ है, आपका जो बैक पोर्शन है काफी फैल जाएगा इससे आपका, तो इसलिए आपको ये मैंने चौड़ाई में भी फैलाते हुए बताया है। अब जब आप इसको फैलाते हैं तो आपको देखिए क्या करना है, आपका गला जब अगर मानिए 9 इंच पर है तो आपको ये 1/4 इंच और अंदर कर देना, यानी कि आपको अपने गले की चौड़ाई कितने पर रखनी है, 8.5 इंच पर रखनी है, जिससे क्या हो आपके गले की जो फिटिंग है वो बहुत ही अच्छी आए। उससे आपको आर्महोल और शोल्डर में कोई चेंज नहीं करना है, सिर्फ आपको में चेंज करना है, अपने सीने की चौड़ाई में चेंज करना है। इससे आपका सीने में ब्लाउज फंसेगा नहीं, क्योंकि हमारा गला ऑलरेडी डीप होता जा रहा है, खुलता जा रहा है, आप यहाँ पे कम करेंगे तो ये यहाँ पे खुल जाएगा। अगर आपने ये चीज यहाँ पे नहीं खोली, अगर आपने ये यहाँ पे तो ओपन कर दिया, लेकिन अगर यहाँ पे कम नहीं किया तो आपका ब्लाउज क्या होगा, ढीला होगा, यहाँ से खुलता रहेगा, ढीला होता रहेगा, ये आपका नीचे की तरफ झुकाव मारेगा, नीचे की तरफ झुकाव मारेगा तो आपका कंधा क्या होगा, यहाँ से गिरने लगेगा। तो इस चीज का आप बिल्कुल विशेष ध्यान रखिए, जब भी आप गले के डीपनेस बढ़ाते हैं तो पहले तो शोल्डर और आर्म होल को कम कीजिए। गले की गहराई के साथ साथ अगर आप चौड़ाई भी बढ़ाते हैं तो आप थोड़ा सा सीने की चौड़ाई पर भी ध्यान दें कि उसको भी आपको कम करना है। अगर आप कम नहीं करेंगे तो आपका ब्लाउज बाहर की तरफ गिरेगा, बाहर की तरफ गिरेगा तो उससे क्या होगा, कंधे की तरफ भी क्या होगा, झुकाव दे जाएगा, तो आपके ब्लाउज के कंधे गिरने लगेंगे। देखिए मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये जो मैंने छोटी सी नॉलेजमेंट चीज बताई है, छोटी सी चीजें बताई है, आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। जो गर्मियों का सीजन है, इस सीजन में लोग डीप गले के ब्लाउज मांगते हैं, तो आपको डीप गले के ब्लाउज में कटिंग करने में दिक्कत आती होगी, तो ये छोटी छोटी चीजें जो मैंने आपको बताई है इससे आपको डीप गला बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, डोरी की भी समस्या नहीं रहेगी कि हमें डोरी लगानी है, इससे जो ब्लाउज की फिटिंग बैठेगी वो बहुत ही अच्छी बैठेगी। तो आप हमारे चैनल पर इसी प्रकार बने रहिए, हम अपने चैनल पर इसी प्रकार नॉलेजेबल वीडियो लाते रहते हैं और आगे भी आपके लिए लाते रहेंगे, आपकी छोटी छोटी समस्याओं को हम इसी प्रकार दूर करते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।